तो फ्रेंड्स ये है चावल जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से धोया। उसके बाद मैंने धूप में इन्हें सुखाया। ये छोटे चावल है गोविंद भोग चावल। ये चावल खीर बनाते वक्त यूज़ होती है। खीर इन्हीं चावल से खीर बनाया जाता है। तो इस चावल को मैं बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, इस चावल के अलावा कोई और भी चावल लिया जा सकता है। तो आइए अब बनाते हैं इसको। मैंने अच्छी तरीके से धोया और धोने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने इसे धूप में सुखाया। अब मैं इस कढ़ाई में इस चावल को भून लूँगी। ये कढ़ाई में मैंने कोई तेल नहीं दिया, इसको मैं खाली कढ़ाई में अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर चला जाए। तो मैंने गैस में ये रेडी करके रख दिया कढ़ाई पे, हाँ कढ़ाई में, ताकि इसे अच्छी तरीके से मैं भून लूँ। इसके अंदर का सारा मॉइस्चर सूख जाना चाहिए। और ये अभी इस चम्मच में लग जा रही है ये चावल, डैट मीन्स इसके अंदर मॉइस्चर है। इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। जब ये हो जाएगा तब अपने आप पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये चावल एकदम अच्छी तरीके से भून चुका है और इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं है। अभी मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे मैं मिक्सी में इसकी एक अच्छी सी फाइन पाउडर बना लूंगी। ये देख सकते हैं आप, फ्रेंड्स ये एक डब्बा है। ये एक्चुअली सिमिलेक फार्मूला मिल्क का डब्बा है। तो इसके अंदर मैं ये राइस पाउडर रखूँगी क्योंकि ये एक इसकी ढक्कन जो है ये एयर टाइट है, तो वो पाउडर बहुत अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो अभी मैं ये पाउडर इस कंटेनर में स्टोर करूँगी। इस डब्बे में मैं ये सारे पाउडर स्टोर करूंगी। फ्रेंड्स ये हो गया होममेड होममेड राइस सेरेलेक। तो ये एयर टाइट है, ये कंटेनर एयर टाइट है, इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं घुसेगा, जिससे कोई ख़राबी होने की चिंता नहीं है। तो एकदम फ्रेश है, जब भी बच्चा खाने वाला होगा तब इसे इजीली पकाया जा सकता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये पका के बच्चे को दिया जाता है। तो अभी मैंने एक कढ़ाई में थोड़ी सी पानी दिया, थोड़ा सा पानी है ये। अभी जैसे ही इस पानी में उबाल आएगा मैं ये राइस पाउडर दे दूंगी। तो फ्रेंड्स पानी में उबाल आ चुका है और अभी मैं
यहाँ से हाफ स्पून लूँगी, क्योंकि वन स्पून में बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो मैं ये हाफ स्पून ले रही हूँ और इस पानी में मैं दे रही हूँ। ये मैंने दे दिया और अभी चम्मच से मैं इसको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। ये मैं चम्मच से अच्छे तरीके से मिला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया होममेड, ये राइस पाउडर का होममेड सेरेलेक। अभी मैं एक बाउल में निकाल के रखूँगी। तो मदर्स, ये है होममेड राइस सेरेलेक। होममेड सेरेलेक, राइस सेरेलेक अगर मैंने खुद बनाया तो मैं पकाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने गर्म पानी में इसे उबाला और उसके बाद गर्म पानी उबाला और उसके बाद मैंने इसे ऐड करके इसे पकाया चावल की तरह। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मैं फार्मूला मिल्क ऐड करूँगी। फार्मूला मिल्क को मिक्स मिला के मैं इसे अबीर को खिलाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, इसे लाइक करना, शेयर करना, रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।